प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है अब संपूर्ण लॉकडाउन है। आज रात 12 बजे से इस देश में 14 मार्च तक के लिए ये कहा गया है। सभी राज्यों में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जिम, स्विमिंग पूल, उड़ानों पर भी विराम लग गया है। कल मतलब से देश पीएम मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन, 14 अप्रैल तक जरूरी चीजों को छोड़ सब कुछ रहे। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने अभी अभी जानकारी दी है। अरे हेलो भाई लोग, अबे भाई लोग कैसे हो? हेलो हेलो हेलो, अबे और भाई क्या हाल चाल सबके? अबे भाई श्री राम मित्रों, यूं तो इन दिनों दूरदर्शन की महिमा है जो सुबह शाम श्री राम का जाप करता रहता हूँ। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहीं बहु विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अबे भाई, अबे चुप कर। और हे गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, कैसे हो तुम सब? हे ज्येष्ठ भ्राता, जाइए और माता श्री के आदेश का निसंदेह पालन करिए, भले ही वह धनिया हो या पुदीना। अबे यार मम्मी से पता याद आया मेरे को रोज कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है भाई, छत पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं बिल्कुल। क्यों बे, आजकल शर्मा जी की बेटी छत पे नहीं दिखाई देती है क्या? अबे शर्मा जी की बेटी को छोड़, लॉकडाउन के चलते बीवी के डर से शर्मा जी खुद आते छत पे कपड़े सुखाने। बताओ यार, ये तो अच्छे दिन आ गए। जो लड़का हॉस्टल में 4 दिन तक अपने कच्चे नहीं बदलता था, वो आज कपड़े सुखा रहा है। वाह मेरे शेर वाह। उत्तम पार्थ, निरंतर कर्म करना तो आवश्यक है। अबे ये तो कुछ नहीं, एक राज की बात बताता हूँ। अब एक रात कुछ ज्यादा लोनली हो गया मैं, तो पता है अगले दिन मेरी मेड क्या कहती कि कल रात को आपके बेड से कूदने की आवाज किचन तक आ रही थी, किचन तक। कमाल है, ऐसे तू क्या दाड़ा मैं आसची। अच्छा गाइस, तो चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। तू क्या कर? अरे यार वो मेरी मम्मी बुला रही है यार, जाना है यार, चल बाय। मम्मी या फिर मम्मी के बाबू? अरे नहीं यार, कुछ भी मतलब है। काम करते हैं, उसे ऐड करते हैं। अरे पागल है, रुक। कुछ नहीं होगा, तू रुक। हाय बॉयज। हेलो आवी जी, नमस्ते। अनामिका आ गई। ए हेलो अनामिका, सुनाई दे रहा है? हेलो शिव, तुमको मैं लास्ट 2 मिनट, 4 सेकंड और 3 मिनी सेकंड से कॉल कर रही हूँ, तुमों की फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो यार, किसके साथ इतना बिजी हो? अरे अरे सुनो ना, वो मैं क्या यार, हमेशा तुम्हारा बिजी रहना या किसके साथ इतना बिजी रहते हो? यहाँ मिसिंग यू सो बैडली, तुमों की फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो यार। सत्य वचन, जय जय श्री राम। अरे सुनो ना, मैं करने ही वाला था, सुनो। हाँ हाँ, नाउ डोंट गिव मी दीज एक्सक्यूजेस, खुद से तो कभी कॉल करते नहीं हो, हमेशा बिजी रहते हो। Do you even know it's been 25 days, 25 minutes and 25 seconds that we have not met? But तुमको तो याद आता ही नहीं है। मेरी भाभी श्री को इतनी पीड़ा देकर लज्जित नहीं होते हो क्या मित्र? अरे साले मित्र की ऐसी की तैसी यार, ऐसे साले चुप हो जाओ यार, तुम लोग फंसा रहे हो। फंसा नहीं रहे, सही बता रहे, तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो अपनी ही दुनिया में, अपने दोस्तों के बीच, ऐसे नहीं होता है। आई एम लीविंग दिस कॉल, आई एम लीविंग दिस रिलेशनशिप, भाड़ में जाओ तुम, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। बिल्कुल सत्य कहा आपने भाभी श्री, किंतु यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा। अरे बेबी सुनो तो। अच्छा अच्छा बाबा, ये लो कान पर।
ठीक है जब और थोड़ा भाव दोगे ना तो घास दे दूंगी। अच्छा लिसन, बाकी लड़के अभी ऑनलाइन है तो आई एम जस्ट एडिंग देम। ओके हे गर्ल्स। ओह हेलो ब्यूटीफुल पीपल। हाय यार, कोई लूडो खेलेगा क्या? गाइस तुम लोग का असाइनमेंट हो गया क्या? अबे यार इसको किसने बुला दिया यार? हाँ बस बटन दबाने वाला है सबमिट का। स्टॉप इट गाइस, व्हाई आर यू गाइस टीजिंग हर? यू नो व्हाट, टेंशन से लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। यार ये कॉलेज वालों को लॉकडाउन में भी चैन नहीं है, असाइनमेंट पे असाइनमेंट पे असाइनमेंट। ब्राता 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 ब्राता, असाइनमेंट एक कष्ट नहीं, हमारे प्रबंधन के जीवन का एक अटूट सत्य है, और इस कलयुग में आखिर सत्य से किसे पीड़ा नहीं होती। हेलो हेलो यार, ये करवा भी अजीब चीज है। नहीं पहले क्लास में फोन ले लेते थे, फोन ही में ले लेते हैं क्लास। भाई मैं तो अपने क्वारंटाइन का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ब्रो। आखिर ऐसा कौन सा विचित्र चमत्कार कर रहे हो बाल? लूडो किंग या लूडो स्टार? माय ब्रदर मेरे भाई, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्क, स्ट्राटा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इत्यादि इत्यादि के क्रैश कोर्सेस कर रहा है तेरा भाई। अच्छा लेकिन तेरा व्हाट्सएप स्टेटस तो दिखा रहा है कि गोलगप्पे बनाना तेरा नया हॉबी है। हैशटैग लाइक, हैशटैग कुकिंग, हैशटैग संडे, हैशटैग मी, हैशटैग ये, हैशटैग वो, हैशटैग उफ। अबे यार अभी इकोनॉमी की हालत देखकर वो सब प्लान बी है यार, समझो ना यार। या फिर पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं ना। सिगरेट नहीं मिल रही है भाई। भाई सुट्टे की तो बात ही मत कर, कल ही पापा ने सुट्टे के साथ पकड़ लिया, उसके बाद ओए होए तेरे इस गबरू को गधे की तरह मारा है। गाइस असाइनमेंट में तो अब बस 10.567 डेज बचा है, आई थिंक अब हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अबे ठेका तो सब खुला है बे, कैमरे के डर से कोई क्या नहीं पाता बस। मेरा छोटा भाई है ना एकदम नाक में ना दम करके रखा हुआ है, आई जस्ट हेट किड्स। मित्रों आप तो इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि आपका यह मित्र इस कठिन समय में भोलेनाथ के दर्शन को कितना व्याकुल है। बम बोल। पार्लर नहीं जा पा रही हूँ मैं, वैक्सिंग करानी है मुझे। और मेरे को कोई कॉइंस देगा क्या? मेरे सारे खत्म हो गए, मेरे को एक गेम खेलना है। अरे यार ये बाल इतना बढ़िया है ना, ये सोच रहे अनिल कपूर से बोनी कपूर बन जाते हैं। तुम लोग को बाल की परी है, यहाँ चिकन नहीं मिल रहा यार। यार मेरे डिनर में तो आज चिकन है। क्या? क्यों? कैसे? कहाँ? पबजी में। सॉरी। टेंशन कम थी क्या? उसके बाद फिर कुछ महापुरुष लोगों ने आके अफवाह फैला दी, मछली खाने से कोरोना होता है, चिकन खाने से कोरोना होता है। 21 दिन से अंडे खा खा के मुर्गी की तरह मोटी हो गई। इस लॉकडाउन में मैं तो बाहर नहीं जा रही, मगर ये पेट जरूर बाहर। ओह नो। मित्रों इस संसार में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, सब कुछ समय चक्र के अधीन है, और जो सुनिश्चित है वो प्रभु श्री राम को पता है। बाकी हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावा साखा। वाह मेरे भाई वाह। কি রে বাবু তাড়াতাড়ি নেমে আয়, ডাকছি যে শুনতে পাসনি, কানে কথা যায়নি নাকি? তোকে নামতে হবে না, তুই যা করছিস করে মর। গাইস লাগতা হ্যায় মুঝে বাকি মে জানা পড়েগা। আরে ইয়ে তো গয়া বাবা ফিনিশ। আচ্ছা আব কোই মুঝে বলেগা হামে কল পে কিউ লায়া গয়া হ্যায়? মেরা পুরো 5 মিনিট ওয়েস্ট হো গয়া আর মুঝে অ্যাসাইনমেন্ট করনা হ্যায়। বে নফিসা কা বার্থডে ভুল গয়ে কিয়া? ও ইয়েস কাইসে ভুল সকতে হ্যায় উসে, ऐड करो। हाँ यार कोई ऐड करो उसे, तब तक मैं थोड़ा टच अप कर लेती हूँ। हाँ यार 12 बजने वाला है, रुक 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 हम ऐड कर रहे हैं उसको, रुक। अच्छा सुनो तो सब लोग मिलके विश करेंगे, ठीक है? सब लोग मिलके विश करेंगे, तो रेडी गेट सेट। हाय गाइस। हे महिला मित्र, आपको आपके जन्म दिवस की असंख्य बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गर्ल। Straighten your hair and do post pictures on Instagram. And do not forget to tag me.
Happy birthday, sweetheart. Happy birthday, my Ludo queen. Happy birthday, Nautanki. Happy birthday, Topper. Thank you so much, guys. Really means a lot. Happy birthday. अरे, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, guys. बस ऐसे. और बाकी? घर में पार्टी शार्टी हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो फिलहाल घर पर अकेली हूँ. अच्छा, और तेरे मम्मी और पापा? तुम लोग को तो पता ही है, ते बोथ आर डॉक्टर्स. तो फिलहाल अभी ड्यूटी पे हैं यार. अभी रात के 12 बजे? इनफैक्ट वो पिछले 25 दिन से घर तक नहीं आए हैं. मैंने उन दोनों को देखा भी नहीं है, और सिर्फ इसलिए ताकि मैं सेफ रह पाऊँ. कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी. अरे वो तो है, पर कुछ लोग समझते ही नहीं है ना. कल ही पापा फोन पर बता रहे थे कि वो लोग पेट्रोलिंग पे गए और लोग ऐसे इधर उधर घूम रहे थे. उनको समझना ही नहीं है, और पुलिस अगर कुछ करे, कुछ बोले, तो वो उन्हें ही गाली देते हैं. यार दिस इज वेरी रॉन्ग. मैं होती ना तो पट से हेडशॉट मार देती. अब कल की बात ले लो, मम्मी की हॉस्पिटल की नर्सेस गई थी कुछ एरियाज में टेस्टिंग वगैरह के लिए. उन्होंने लोगों ने वहां से उनको भगा दिया. पत्थरों से स्वागत किया यार. पता नहीं यार ये सब कब ठीक होगा. आई डोंट नो. सॉरी गाइस, वो माताजी का बुलावा आ गया था, इसलिए जाना पड़ा. अरे नफीसा, शिट यार, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यार मैं बिल्कुल भूल गया था. हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल. थैंक्स बाबू. अरे क्या नफीसा, तू भी यार, मेंशन नॉट यार. अरे तो गाइस कहाँ पे थे हम लोग? किस किस चीज का प्रॉब्लम था? दारू, सुट्टा, सिगरेट, असाइनमेंट, रिलेशनशिप, मेकअप, ये सब था ना? क्या हुआ गाइस, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? भाई यार अब तो बता दे, तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो.